गाइस क्षेत्रफल के आधार पर भारत देश दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। यह देश एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसका एरिया एक बास्केटबॉल के मैदान के बराबर है। ये बात जानकर हर कोई हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी जगह में कोई देश कैसे हो सकता है। आज हम इस देश से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं जिस देश के बारे में बात कर रहा हूँ उस देश का नाम सीलैंड है, इसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। ये देश इंग्लैंड के पास स्थित है। इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सीलैंड खंडहर हो चुके हैं। यह देश समुद्री किले पर स्थित है, वीडियो पे आप देख पा रहे हैं, जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बनाया था, हालांकि बाद में इसे खाली कर दिया गया। माइक्रोनेशन कहे जाने वाले सीलैंड पर कई लोगों का कब्जा रहा। बाद में 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया। रॉय बेट्स की मौत के बाद से उस पर उनके बेटे माइकल का शासन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉय बेट्स ने सीलैंड के लिए डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी भी निकाली। करेंसी पर रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स का तस्वीर है और इस देश का अपना खुद का झंडा भी है जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। और इस देश का क्षेत्रफल बहुत कम है। सीलैंड का सरफेस एरिया मात्र 6000 वर्ग फुट तक फैला है। ये देश इतना छोटा है कि आप गूगल मैप से भी तलाश नहीं कर सकते हैं। माना जाता है कि इस देश को ब्रिटेन द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डिफेंसेंस गन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था। इस देश का जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार सीलैंड का जनसंख्या सिर्फ 27 लोगों का है। सीलैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इस कारण से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का जनसंख्या मात्र 800 लोगों का है। तो गाइस इस देश के बारे में जान के आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। बाय बाय।